अपोलो ग्रुप का एस्टेरॉयड आज धरती के पास से गुजरेगा। अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि 8 नवंबर को पृथ्वी के करीब से ये एस्टेरॉयड गुजरने जा रहा है। इसे एस्टेरॉयड 2023 BD3 नाम दिया गया है। ये पृथ्वी से करीब 4,90,000 किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा, जो कि चंद्रमा से केवल 1,00,000 किलोमीटर की दूरी पर है। नासा ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि एस्टेरॉयड तेजी से हमारे ग्रह की तरफ आ रहा है। एस्टेरॉयड बेल्ट से रास्ता भटक गया है। जब कोई एस्टेरॉयड पृथ्वी के 80,00,000 किलोमीटर के क्षेत्र में आता है तो इस पर नासा अलर्ट जारी करता है। एस्टेरॉयड फिलहाल 64,453 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। ये स्पीड किसी स्पेस शटल से ज्यादा है। इस स्पीड से ये आज पृथ्वी के करीब से गुजरेगा। एस्टेरॉयड 2023 BD3 का साइज 32 से 75 फीट के बीच है, यानी इसका साइज एक घर जैसा है। एस्टेरॉयड 2023 PD14 एस्टेरॉयड के अपोलो समूह से संबंधित है। ये एस्टेरॉयड आकार में काफी बड़ा है और बहुत ही स्पीड से धरती के पास से गुजरेगा। हालांकि इससे पृथ्वी को कोई भी खतरा नहीं है। माना जाता है कि अब तक 13,00,000 से भी अधिक एस्टेरॉयड को खोजा जा चुका है, जो अलग अलग आकार के हैं। ये बहुत बड़े मैदान के साइज के ही होते हैं। एस्टेरॉयड हमारे सौर मंडल के निर्माण के बाद बचे चट्टानों के टुकड़े हैं, जो हमारे सौर मंडल से लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से गुजरते हैं। पृथ्वी छोटे एस्टेरॉयड के साथ लगातार लेकिन कम प्रभाव वाली टक्करों का अनुभव करती है। ज्यादातर छोटे एस्टेरॉयड पृथ्वी के वायुमंडल से टकराने पर काफी हद तक टूट जाते हैं और सतह तक नहीं आ पाते हैं। वीडियो डैश NBT ऑनलाइन।